हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो थोड़ा सा मेरी वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि पूरी वीडियो में मैं ऐसे ही बात करने वाली हूँ। मुझे कफ एंड कोल्ड है। पहले की वीडियो जो शूट हुई है उसमें तो नॉर्मल वॉइस रहेगी। तो ये मेरा आज का टोटल है, जिसमें मुझे करना है इकोलॉजी का एक चैप्टर, इनऑर्गेनिक रिविजन करना है कोई भी चैप्टर, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं 150 प्लस क्वेश्चन एवरी डे, ये मैंने डिसाइड करा है। एंड ऑर्गेनिक रिविजन करना है जितना अपने से हो पाएगा, और फिजिक्स के प्रोफेसर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और आप अपना टोटल लिस्ट डेली के डेली बनाते हो कि नहीं बनाते हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज सबसे पहले मेरे डे की स्टार्टिंग हुई बायोलॉजी से, और बायोलॉजी से भी ये वाले चैप्टर से। सो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपका ये चैप्टर अभी तक कंप्लीट हुआ कि नहीं, और ये यूनिट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर आप ये एकदम लास्ट में करते हो। मेरा तो इकोलॉजी और फेवरेट यूनिट है, मेरे को अच्छा लगता है बेसिकली। सो मैंने सोचा चलो इसी को कर लेते हैं। आपको अच्छा लगता है कि नहीं कॉमेंट सेक्शन में बताना, ताकि पता चले यहाँ कितने लोग हैं जिनको इकोलॉजी अच्छा लगता है। और अभी मेरे को बाहर भी जाना है दिवाली की शॉपिंग के लिए, तो मैं कंफ्यूज थी। पहले मैं तैयार हूँ कि पहले मैं कुछ पढ़ लूँ, क्योंकि मेरा ये था मैं तुरंत निकल जाऊँगी, फिर आने के बाद थोड़ा सा आलस आता है, फिर पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है, तो मुझे चैलेंज भी कंप्लीट करना था। इसलिए मैंने सोचा चलो तैयार हो जाते हैं, उसके बाद कर लेते हैं जितना मन करता है करने का, उसके बाद आगे करेंगे। जाना है मुझे मार्केट, मैंने कुछ खाया नहीं है, तो ये ड्राई फ्रूट्स मैं खा के निकल रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम कंप्लीट करना है। सो बस जल्दी जल्दी जाके और आती हूँ मैं। और फिर हम आ गए हैं यहाँ पे रिलायंस में कुछ शॉपिंग करने, बट कपड़े का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बेसिकली मुझे रिलायंस वाले कपड़े नहीं पसंद आते, तो मैंने कुछ लिया नहीं। बाकी हाँ, धनतेरस के लिए मैंने कुछ लिया था, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो भी डिस्काउंटेड में। बट मुझे नहीं लगता कि जो लोग बोलते हैं कि एक के साथ एक फ्री है, उसमें कोई बेनिफिट हमारा होता है, उन्हीं का बेनिफिट है। अब बहुत सारे लोग खरीद के लेके जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत सारा लेकर आ गए हम अच्छे में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। फिर बाकी मैंने यहाँ पर दिए देखे जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने वो वाले उठा लिए थे। और देखो ये टूट के भी रखा है, इसमें भी डिस्काउंट चल ही रहा है, जो कि डिस्काउंट है नहीं। एज यू कैन सी इसमें 60% ऑफ चल रहा है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और फिर दिए मैंने एक उठाए थे, बाकी मैंने सोचा कि यार बाहर वाले जो लोग बेचते हैं वो उनके लिए वहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि बेचारे साल भर में एक ही बार तो उन्हें कमाने का मौका मिलता है, तो वहाँ से दिए हुए लेने चाहिए। तो एक मेरे को अच्छा लग रहा था, एक ही उठाया था मैंने, बाकी रख दिया था वहीं पे मैंने वापस। और आने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे कर रही हूँ बायोलॉजी, क्योंकि ये वाला चैप्टर मैं छोड़ के चली गई थी, पूरा कम्प्लीट नहीं हो पाया था, कॉल आ गया था बीच में, और मेरी फ्रेंड को उसको भी कोचिंग जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो शॉपिंग करके आ जाते हैं, फिर वो अपना काम करेगी, मैं अपना काम करेंगे, तो मैं अपना काम करेंगी। वाह, व्हाट अ लाइन, मतलब ऐसे ऐसे लाइनें भी मैं बोल लेती हूँ, चलो इग्नोर करो आप लोग, मेरा तो काम है ऐसे ऐसे लाइनें बोलना। एंड यू ऑल नो, जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं, जैसे जैसे नीट का एग्ज़ाम पास में आता है, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल बढ़ता ही बढ़ता जाता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ होता है एक नीट एस्पिरेंट के लिए। और बहुत सारे नीट एस्पिरेंट इस डायलेमा में रहते हैं कि वो कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, कहाँ से ना करे, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सही होता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन फॉलो करते हो, तो आपको कहीं और से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। और काफ़ी टाइम से आप लोग ये पूछ भी रहे थे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करते हो, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। सो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है मेमोनीट, मैंने पहले भी बताया है, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैंने फिर से बता दिया है। इसमें सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के हर एक लाइन से मिल जाएंगे, और अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। इन एडिशन टू क्वेश्चन प्रैक्टिस, दे हैव एनपीसीएम, मतलब कि इनमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स, मीम्स के फॉर्म में, जो हमें आसानी के साथ सिंपल क्रिप्स इन फन वे में लर्न करने में हेल्प करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सही करते हो, गलत करते हो, उसका तुरंत एक्सप्लेनेशन मिल जाता है आपको। उससे पता चल जाएगा कि ये लाइन एनसीईआरटी के किस पेज से है, कहाँ से है, और आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इट मीन्स आपकी गलतियाँ आपको तुरंत पता चल जाएंगी, और आप उसे जल्दी सुधार भी सकते हो। एंड यू नो व्हाट, इस एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही नहीं, एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चंस ही नहीं, बल्कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं,
हैं जो ऑलरेडी नीट एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप लोग वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो इससे। एंड यू नो व्हाट, दे हैव टोटल 700K प्लस इंस्टॉल्स अक्रॉस एप्पल स्टोर, प्ले स्टोर एंड विंडोज, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। इतने नंबर में नीट एस्पिरेंट इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। सो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करना चाहूंगी, जो लोग 11th 12th में है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, एक बार इस एप्लीकेशन को जरूर चेकआउट करना और यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अगर आप अपने थोड़े पैसे बचाना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड यूज कर लेना Roly300, जिससे आपको 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। एक बार जरूर ट्राई करना, एक बार जरूर देखना, आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस अरेंज किए गए ना, बहुत इंटरेस्टिंग वे में है, बहुत फन वे में है, बोरिंग तो बिल्कुल फील नहीं होगा। तो एक बार जरूर चेक करना मेरे कहने में। सो जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया होगा कि डेली का डेली मैं जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है उतना ज्यादा करने का ट्राई कर रही हूँ। एटलीस्ट 150 प्लस क्वेश्चन तो डेली करने का ट्राई कर रही हूँ, ये मैंने टारगेट बनाया है डेली का। और आई होप कि ये चलता ही जाए, जब तक नीट एग्जाम है तब तक चलता ही जाए। तो या उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैंने ब्रेक लिया था, फिर मैंने किए थे थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस, और फिर मैं रिवाइज कर रही हूँ यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हमें हर सब्जेक्ट को टाइम देना जरूरी है। एक सब्जेक्ट को टाइम देंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा, दूसरे को टाइम देंगे तीसरा बुरा मान जाएगा। तो सबको टाइम टू टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं नहीं बताऊँगी, आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में कि मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक रिवाइज तो कर रही हूँ, बट क्या रिवाइज कर रही हूँ। आई एम श्योर जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे ऑर्गेनिक, उनको पता चल गया होगा क्या रिवाइज कर रही हूँ मैं, बट फिर भी देखती हूँ कितने लोग बता पाते हैं। ये आपके लिए एक चैलेंज है और एज अ टास्क है, आप समझ सकते हो। और रिविजन करने के बाद, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद, इधर उधर करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे आ गई हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। मैं थर्मो के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ यार, ऐसा टीचर्स बोलते हैं जिनसे हम पढ़ते हैं, जिनको अपना गुरु मानते हैं, और जो लाख प्लस टू स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, उनका सिलेक्शन हो गया है, वो ऐसा बोलते हैं कि आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी रिविजन कर लें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसी से आपको आइडिया लग पाता है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे नीट एग्जाम में आ सकते हैं। एंड पी ब्लॉक का मैंने लेक्चर तो किया था, बट मैंने एनसीईआरटी से नहीं किया था, मैंने सोचा था लेक्चर्स कर लूँगी फिर एनसीईआरटी करूँगी, तो अभी मैं जा रही हूँ एनसीईआरटी से पी ब्लॉक करने। और ये चैप्टर आधा कम्प्लीट करने के बाद मैं थोड़ा सा लंबा ब्रेक लूँगी, क्योंकि मुझे करना है डिनर, और डिनर का टाइम भी हो गया है, तो पेट पूजा करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपका इनऑर्गेनिक कहाँ तक पहुँचा ये ज़रूर बताना मेरे को, आपने अभी तक इनऑर्गेनिक में कितने कितने चैप्टर कंप्लीट करे, मेरा तो बताओ। मेरा तो 7-8 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है, आप बताओ। ये चैप्टर पूरा तो नहीं हो पाया, बिकॉज ऑलरेडी मैं शॉपिंग करके आई हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और अब मेरे से हुआ नहीं जा रहा है। सो समझ लो 95% आज का मैंने कंप्लीट करा, ये 2 पेज रह गए हैं, जो कि अब मतलब मेरे से हो ही नहीं पा रहा। मैं चाहूँ तो कर लूँ, बट अब हो ही नहीं रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो कोई ना, इसको कल रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा बचा। यहाँ तक मैंने रिवाइज करा था, बाकी ये सब चीज़ें जो हैं 3 पेज 2 पेज जो हैं कल रिवाइज कर लूँगी। और इसी के साथ हमारा आज का टास्क ख़त्म होता है। और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।